हाँ तो रूफ में यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लैब के Q4 के रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 4% का डिक्लाइन हमको यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 4728 करोड़ का। तो ऑल ओवर यहाँ पे फ्लैट परफॉर्मेंस हमको QOQ बेसिस पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 553 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये सेम प्रॉफिट कंपनी का 19 करोड़ था। तो देखा जाए तो देखिए, पिछले क्वार्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी उसका मेन रीज़न जो मैंने आपको बताया था कि एक एसेट राइट ऑफ करने की वजह से वहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो गिरा था। तो इसीलिए वो एक वन टाइम कंपनी का जो प्रॉफिट था वो वन टाइम था। तो इसीलिए वो प्रॉफिट इस बार कंपनी को कोई राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उसकी वजह से यहाँ पे 553 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो अराउंड 7% की ग्रोथ, टू बी एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 6.7% की ग्रोथ हमको रेवेन्यू में देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 4728 करोड़ का। तो ऑल ओवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हमको 10% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अब उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में 27% का डिक्लाइन हमको नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 553 करोड़ का, और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये प्रॉफिट 764 करोड़ था। तो अराउंड अगर आप देखोगे तो अराउंड यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी 210 करोड़ कम हुई है। कितनी? 210। तो यहाँ पे ऑल ओवर देखा जाए तो रिजल्ट इतने अच्छे मुझे नज़र नहीं आते हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर आप बात करोगे तो अराउंड 30% का डिक्लाइन हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, आपका सवाल होगा कि अराउंड 7% का रेवेन्यू ग्रोथ है तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट इतना कम कैसे हो रहा है। देखिए, उसका रीज़न यही है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है कंपनी का वो बड़ा है, उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हमको घिरता हुआ नज़र आ रहा है। अब उसके बाद अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 25 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 2500 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे 88,163 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री के PE के कंपैरिजन पे आपको भी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर हमको 27% का डिक्लाइन देखने को मिला है, उसकी वजह से इसका अर्निंग पर शेयर और कम होगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर हमको और ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा। तो देखा जाए ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के वैल्यूएशन पर ही ये अभी ट्रेड हो रहा है। अब अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ साल से तो लगातार इसके रेवेन्यूज़ में हमको कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है। इस बार भी अगर आप देखोगे रेवेन्यूज़ में कोई इश्यूज नहीं है, रेवेन्यूज लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार थोड़ा कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन के जो परसेंटेज हैं वो इस बार हमको कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे 2018 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी गिरी थी लेकिन 19 में फिर से रिकवरी आई और 20 में भी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए कंसिस्टेंट ग्रोथ तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। लेकिन ये साल थोड़े से इशू डॉक्टर रेड्डीज में हमको नजर आए, इसीलिए इसका शेयर भी अगर आप देखोगे अभी कुछ समय से लगभग 4500 के लेवल पे ही चल रहा था। अब ये देखिए 5326 रुपीज़ पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। इसके हाई पे नज़र डालेंगे तो 5512 का हाई है। तो मतलब अराउंड अगर आप देखोगे तो 200 रुपीज़ यानी कि अराउंड 3-4% ये शेयर आपको इसके ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और डॉक्टर रेड्डीज लैब का जो स्पुतनिक वाली वैक्सीन है उसके बाद लगता है कि अभी अप्रैल से लेकर जो जून वाला क्वार्टर रहेगा कंपनी का वो एकदम आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो वो न्यूज़ के बाद डॉक्टर रेड्डीज का शेयर पहले 4800 के लेवल्स के लगभग चल रहा था, तो उसके बाद अराउंड 10-11% ये स्टॉक बढ़ भी गया जैसे वो स्पुतनिक वैक्सीन वाली न्यूज़ आई थी। देखा जाए तो ये अप्रैल से लेकर जून तक मेरे ख्याल से एक आउट नंबर यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड इस क्वार्टर के कंपैरिजन में मुझे ऐसा लगता है कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट ये अप्रैल से लेकर जून वाले क्वार्टर के अंदर डॉक्टर रेड्डीज का आ सकता है। इसलिए यहाँ पे स्मॉल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए मेरे ख्याल से जून एंड तक यहाँ पे 6000 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मेरे ख्याल से तो जून एंड तक ये आपको आराम से 6000 के लेवल दिखा सकता है।
तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि डॉक्टर रेड्डीज लैब के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।